नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। यूपी लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस लगातार बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती को विपक्षी खेमे में लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन बसपा सुप्रीमो अकेले चुनाव लड़ने के रुख पर अड़ी हुई है, जिसे लेकर अब कांग्रेस विधायक आराधना मिश्रा का बयान सामने आया है। बसपा सुप्रीमो मायावती के अकेले चुनाव लड़ने के दावे पर कांग्रेस ने तीखा प्रहार किया है। प्रतापगढ़ की रामपुर खास विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक आराधना मिश्रा मोना ने बसपा पर तंज कसते हुए उसे भाजपा की बी टीम करार दिया। आराधना मिश्रा ने कहा कि अभी तक तो ये साफ है कि इंडिया गठबंधन में बसपा सदस्य के रूप शामिल नहीं है और उनके राष्ट्रीय नेतृत्व आदरणीय मायावती ने ये साफ कह दिया था कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। लेकिन अभी कुछ दिन पहले राज्यसभा चुनाव हुए थे, जिसमें बसपा के इकलौते विधायक ने अपना मत भाजपा के प्रत्याशी को दिया। कांग्रेस विधायक ने कहा कि इससे बड़ा प्रमाण कुछ नहीं हो सकता है। भाजपा के प्रत्याशी को बसपा का वोट जाने का मतलब ये है कि हम जो हमेशा कहते थे कि बसपा बीजेपी की बी टीम है, वो स्पष्ट हो गया। उनके विधायक ने राज्यसभा में बीजेपी के प्रत्याशी के समर्थन में वोट किया, इससे ज्यादा और क्या प्रमाण हो सकता है। आराधना मिश्रा का ये बयान ऐसे समय में आया जब कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी लगातार मायावती को साथ आने के लिए कह रहे हैं। हाल ही में उन्होंने पत्रकारों से कहा कि एक समान विचारधारा वाले लोगों को भाजपा के खिलाफ एकजुट होना चाहिए। मायावती के लिए इंडिया गठबंधन के दरवाजे खुले हैं, आखिरी फैसला उन्हें लेना है। दरअसल बसपा के इंडिया गठबंधन में शामिल होने से विपक्षी दल यूपी में और मजबूत होते, लेकिन मायावती ने इस बार अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। अगर बसपा अकेले मैदान में उतरती है तो लड़ाई त्रिकोणीय हो जाएगी। ऐसे में इसका सबसे ज्यादा नुकसान विपक्षी दलों को ही होगा, क्योंकि बसपा उनके वोट बैंक में ही सेंध लगाएगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।